टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, पीपल रिसोर्सेज का, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। अब पीपल रिसोर्स की बात हो रही है तो बेरोजगारी की बात तो होगी ही होगी। When people who are willing to work at the going wages can't find jobs, यानी कि बंदा काम करना चाह रहा है वेज रेट पर, मतलब जो दिहाड़ी ये मार्केट में चल रही है बट उसे काम नहीं मिल रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी गांव और शहरों में दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई होती हैं। तो पहले गांव के बारे में बात कर लेते हैं। गांव के अंदर पाई जाने वाली बेरोजगारी सीजनल, मौसमी और डिस्प्यूट से नहीं छिपी हुई। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि साल के कुछ ही महीने लोगों को काम मिलना, छः महीने मिलेगा छः महीने नहीं मिलेगा। और डिस्ग्यूस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, जहाँ पर काम करने के लिए कुछ ही बंदों की रिक्वायरमेंट होती है मगर वहाँ पे जरूरत से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हों तो उसे हम डिस्ग्यूस अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी का नाम देते हैं। फिर अगला आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि शिक्षित बेरोजगारी, शहरों के अंदर पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, यानी कि शहरों के अंदर ऐसे बेकार लोग वो ज़्यादा घूमते हैं जिनके पास क्या है, पढ़ाई लिखाई तो है पर नौकरी नहीं है। तो ये अगला टॉपिक आ रहा है कंसिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अगर सोसाइटी में ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर बेरोजगारी रहेगी तो मैन पावर वेस्ट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ाता है साथ ही साथ वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। अगर कमाने वाला व्यक्ति एक है और खाने वाले दस हैं तो दस व्यक्ति एक व्यक्ति पर बोझ बनेंगे ही बनेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सोशल अनरेस्ट और टेंशन को भी पैदा करता है। थैंक यू।